अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ायोंस डॉट कॉम। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप वर्डप्रेस में मुख्तलिफ थीम्स किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद आप अपेयरेंस पे क्लिक करेंगे। अपेयरेंस में फर्स्ट ऑप्शन थीम्स का है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में अभी टोटल कितने थीम्स हैं। अगर आपने कोई नया थीम इंस्टॉल करना है तो ऐड न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ फ्री थीम्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप पेड थीम्स यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ आप काफ़ी थीम्स के लिए सर्च भी कर सकते हैं। जिस थीम को आपने यूज़ करना हो आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। जब थीम इंस्टॉल हो जाएगा आप एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे। एक्टिवेट होने के बाद जो उसके रिक्वायर्ड प्लगइन्स होंगे वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। आप बिगन इंस्टॉल पर क्लिक करें, प्लगइन्स सेलेक्ट करें और इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। जब प्लगइन इंस्टॉल हो जाए तो आप वापस प्लगइन इंस्टॉलर के पेज पे आएं और उस प्लगइन को एक्टिवेट कर दें। आपका थीम एक्टिवेट हो चुका है। तो ये था तरीका कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में एक नया थीम किस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका इसके मतलब कोई भी सवाल हो तो काइंडली कमेंट में मुझसे पूछें, मैं आपको उसका जवाब दूँगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।